नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेटर चैनल। मेरा नाम है संदीप पांडे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आज का पार्ट टू, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी सोना और चांदी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोना और चांदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? ऑप्शन ए है 10 रुपए का नोट, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी ड्राफ्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 रुपए का नोट। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए है वस्तु मुद्रा, ऑप्शन बी साख मुद्रा, ऑप्शन सी पत्र मुद्रा, ऑप्शन डी चेक। क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? ऑप्शन ए है सहज, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है व्यवहारिक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों। उत्पादन आय की गणना कैसे है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या तीनों है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी गया। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पटना। पटना की आय सर्वाधिक है बिहार में। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? ऑप्शन ए सामान्य रहती है, ऑप्शन बी तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं होता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है, जनसंख्या बढ़ती तो आर्थिक विकास की दर मंद हो जाती। अगला क्वेश्चन, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला देश, पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी यूएसए, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी अन्य। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कतर। अगला क्वेश्चन, जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 13। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान है जीडीपी के आधार पर। अगला क्वेश्चन, भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 58.9%, ऑप्शन डी अन्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 58.9%। अगला क्वेश्चन, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी अन्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 128। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 126। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1920-30, ऑप्शन बी 1929-33, ऑप्शन सी 1918-25, ऑप्शन डी 1998-2009। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1929-33। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था क्या है?
ऑप्शन ए जी आई सी, ऑप्शन बी यू टी आई, ऑप्शन सी एस बी आई, ऑप्शन डी एल आई सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यू टी आई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, कौन सी बैंक है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी शहरी विकास बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? ऑप्शन ए ऋणी, ऋण लेने वाला, ऑप्शन बी ऋणदाता, ऑप्शन सी बचतकर्ता, ऑप्शन डी पेंशन प्राप्तकर्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋणी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य का मापन, ऑप्शन बी मूल्य का संचयन, ऑप्शन सी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन डी मूल्य का स्थिरीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूल का स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी हैंसन, ऑप्शन सी क्राउथर, ऑप्शन डी क्रोमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रोमर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और हम अपनी क्लास को आज विराम देते हैं। हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।